नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में अब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और लोगों तक पहुंचने की कवायद भी तेजी से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार शनिवार यानी आज से कोविड 19 टीकाकरण अभियान का पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविशील्ड भले ही देश का पहला टीका बन गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके साथ स्वदेशी टीके को भी लाया जाएगा। बैठक में विशेषज्ञ समिति की ओर से कोविशील्ड को शर्तों के साथ इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की गई। वहीं भारत बायोटेक से भी समिति ने जल्द से जल्द तीसरा परीक्षण पूरा करने के लिए कहा है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है और सरकार से लगातार बातचीत के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि किसानों व सरकार के बीच थमा बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है, लेकिन उसके बीच ही किसान लगातार आंदोलन को बढ़ाने में लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। नए साल के शुभारंभ पर जम्मू कश्मीर में बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी खबर है। देश में कृषि उत्पाद के लिए सहकारिता मार्केटिंग के प्रमुख संगठन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में अगले 5 सालों में सेब, अखरोट, चेरी और अन्य बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1700 करोड़ रुपए निवेश करेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की बात कही है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव व विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा है कि मकर संक्रांति को रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शुक्रवार को वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन स्थित विहिप कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों ने शुक्रवार को कहा कि अगर 4 जनवरी की बैठक में उनके हक में फैसला नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाएंगे। किसान संगठनों ने कहा कि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी से कम कुछ मंजूर नहीं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक बातचीत की उम्मीद जताई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर 2,50,00,000 ठगने वाले जालसाज उमेश वर्मा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी ठगी को अंजाम देने के बाद दुबई भाग गया था। स्कूलों में पाइप से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल सप्लाई, स्वच्छता और स्कूल शिक्षा विभाग ने 100 दिन में 22,322 स्कूलों में पानी की आपूर्ति शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप